नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं चुनावों पे हमारी खास टक्कर। और आज हम बात करेंगे बीजेपी के नेता, नोएडा विधानसभा के प्रत्याशी पंकज सिंह से। और मेरे साथ इस टक्कर में पंकज सिंह तो होंगे ही, साथ ही होगी जनता जो कि सवाल पूछेगी, युवा होंगे जो अपने हक के सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बीजेपी के पिटारे में और पंकज सिंह के पिटारे में उनके लिए क्या है। पंकज सिंह, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नेटवर्क 18 पर मेरा पहला और सीधा सवाल यही है, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव 2019 की रणभेरी है? हाँ, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश का चुनाव के परिणाम जो होते हैं उसके बहुत ही दूरगामी असर होते हैं। और 2017 में हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की जो विजय होगी वह निश्चित रूप से 2019 के लिए भी एक मजबूत नींव तैयार करेगी। विजय होगी, पक्की बात है, 100%। क्योंकि अभी तक जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो आपको नंबर दो दिखा रहे हैं, कोई नंबर एक भी दिखा रहा है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग नंबर टू है लेकिन नंबर एक नहीं है। देखिए, मैं ओपिनियन पोल्स पर सिर्फ नहीं जा रहा हूं, उसमें कुछ ओपिनियन पोल्स ने तो सपा की और मतलब दूसरों की सरकार बना दी, कुछ ने हमारी बना दी। साइकिल और अब हाथ साथ आ गया है, क्या इसका प्रेशर पंकज सिंह और उनकी पार्टी को फील हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को 2019 में उसको टक्कर देने के लिए तैयार है, लेकिन आज वो राष्ट्रीय पार्टी 403 सीटों में से 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में सिमट गई है। वो समाजवादी पार्टी जो थंपिंग मेजोरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही थी वो 403 सीट लड़ी थी, और आज सरकार 5 साल चलाने के बाद वो खुद 100 सीटों कम पर चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब पहले से ही उन सब लोगों ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। आपको लगता है अलायंस का कोई फायदा होने वाला नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसमें देखिए, एक चीज मैं और कहूंगा, इसमें मुझे लगता है कि जो देश हमारा पूरा लूटा था, देश वो नारा दे रहे हैं यूपी को, ये 7 पसंद है राहुल और अखिलेश का। अब वो तो कितना नापसंद है वो तो 11 मार्च को पता लगेगा जी। लेकिन इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने, ऐसा लगता है कि इनको लंबे समय तक समर्थन दिया था, 10 साल तक ऐसा लगता था देश को लूटने की छूट कांग्रेस को दी है, और अब वही कांग्रेस समाजवादी पार्टी का वही कर्ज चुकाने के लिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आकर उनको उत्तर प्रदेश लूटने की छूट देना चाहती है। मेरे को जनता के पास जाना पड़ेगा, युवा है, आप भी युवा है, और दो और युवा मैदान में है, राहुल गांधी भी है और अखिलेश यादव भी है। वो कह रहे हैं कि यूपी को ये 7 पसंद है या फिर देखेंगे बीजेपी का 7 पसंद आता है। मैं चलता हूं सीधा जनता के पास, अपने युवाओं के पास, और जानता हूं ये क्या कह रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि मतलब जो है हम लोग सब साथ में लेकर चलते हैं, मिलकर चलते हैं, तो अब तक जब मतलब जहाँ तक का देखा गया है कि हमेशा मुस्लिम का जो है वो आपकी तरफ से जो है सवाल उठी है कि मुस्लिम को आपने टिकट नहीं दी, या फिर तो ये क्या विचार है आपकी, ये हिंदू मुस्लिम की क्या मतलब आपकी पार्टी में क्यों ऐसा चल रहा है, पोलराइजेशन क्यों कराने की कोशिश करते हैं आपके नेता? ये आरोप भी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। पंकज सिंह, आप युवा हैं, इन लोगों को नौकरी चाहिए, इनको इनको पोलराइजेशन नहीं चाहिए, इनको नौकरी चाहिए, इनको अपने लिए पढ़ाई चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। और देखिए, अगर ऐसा होता, ये यहाँ के कुछ लोग इस बात को उठाने की कोशिश करते हैं, वरना क्या कारण था कि आज यूएई से आकर हमारे गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ के प्रिंस होते हैं, और क्या कारण है कि आज बुर्ज खलीफा पे भारत का तिरंगा, अपने भारत माता का तिरंगा उसको अपने आगोश में लपेट लेता है? क्यों ऐसा होता है? क्यों हमारे उस खाड़ी देश में जहाँ पर पहले ऐसी स्थिति रहा करती थी कि कोई लगता था भारत का नाम भी नहीं लेगा, आज वहाँ पर मंदिर के लिए भी जमीन दे दी जाती है, जगह दे दी जाती है? ये हमारे देश के प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति ये भरोसा नहीं है तो और क्या है जी? आपके लिए विकास जरूरी है या राम मंदिर जरूरी है? एक सवाल। देखिए, राम मंदिर को पॉलिटिकल इशू तो हम बना ही नहीं सकते, पर योगी तो कहते हैं कि अब की बार अगर सरकार बनी तो बन जाएगा। नहीं, आस्था है हम सब लोगों, ये तो मुझे भी लगता है कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए, और मुझे लगता है जो बैठे होंगे सबको लगता है राम मंदिर बनना। विकास जरूरी है या राम मंदिर जरूरी है? दोनों। देखिए, विकास भी जरूरी है, विकास जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश अगर विकास कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिस देश के पास अपनी देश का ही सांस्कृतिक आधार और आध्यात्मिक आधार या उसके देश का कल्चर ही कुछ ना हो तो उस विकास का भी कोई मतलब नहीं होता। बीजेपी कैराना के पलायन को मुद्दा बना रही है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से इधर आए और पलायन करके दिल्ली चले गए, क्या कहना चाहते हैं आप? जिस जगह की वो बात कर रहे हैं, आज उसी उत्तर प्रदेश ने श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तर प्रदेश में आने पर 73 सीटें जीतकर हमको दी हैं। इसका मतलब पूरे
सहर्ष हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको स्वीकार किया है, उनका स्वागत किया है जी। और जहां तक रही इस बात की तुलना अखिलेश यादव जी को, कहराना कि उन लोगों से नहीं करनी चाहिए जो उनके खराब कानून व्यवस्था की वजह से अपने उत्तर प्रदेश को, अपने घर को, अपने पीढ़ियों के पुराने घर को छोड़कर जिनको जाना पड़ा हो, ये सच में इस पर उनको कड़ी कार्रवाई करने के बजाय, वो ठोस आधार देने के बजाय इस तरीके से सवाल करके बरगलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए जी। चलिए मैं सीधा चलता हूं अब इनके पास, आपके पास एक सवाल है, क्या सवाल आपके पास? सवाल ये है कि जैसे विमला बाथम को उम्मीदवार हटा के आपको उम्मीदवार बनाया गया, तो क्या कुछ नाराजगी है उनमें या ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, देखिए मैं आपको सच बताऊं, जिस समय मेरा अनाउंसमेंट हुआ उसी क्षण श्रीमती विमला बाथम जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, श्री नवाब सिंह नागर जी, जितने सीनियर लीडर्स हैं उन सबके कुछ लोग आ गए, कुछ लोगों ने फोन किया और अगले दिन सुबह से ही सभी लोगों ने मेरे, क्योंकि नॉमिनेशन के भी समय नहीं था, बहुत कम समय एक दिन का था, और सभी लोग वहां पर पहुंचकर मेरा नॉमिनेशन के लिए भी कुछ लोग खड़े रहे, एक आध लोग उसमें नहीं आ पाए थे जो कि किसी कारण से कहीं बाहर गए थे। सर नोएडा में दो तरह की वोट है, एक ग्रामीण और शहरी। अगर आप विधायक बनते हैं तो आपका क्या ध्यान शहर में, शहरी से ज्यादा ग्रामीण में होगा? क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ ग्रामीण में कोई ध्यान नहीं देता, वहाँ नाले को वैसे वैसे रहते हैं और बस्ती बनी रहती है, मतलब किस इंतजाम होती नहीं, सारा ध्यान शहरी की तरफ होता है। बताइए। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जब मैं आया था तब भी मैंने यहाँ पर ये बात को एड्रेस किया है, मैंने इसको मतलब बोला है मैंने कि यहाँ की समस्याएं भी अर्बन रूरल ये अलग अलग तरीके से है, उसको समझना और उसका सॉल्व भी करने के लिए उसी तरीके से अपने स्टेप आगे बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन आप हम सब लोगों से एकदम आश्वस्त रहिए, क्योंकि हम सब लोग अगर स्मार्ट सिटी चाहते हैं तो स्मार्ट विलेज भी हम सब लोग चाहते हैं, और वो हम सब लोग करके रहेंगे। और यहाँ पर अथॉरिटी के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य ये है कि चीफ मिनिस्टर यहाँ आते नहीं हैं और अथॉरिटी को वहाँ लखनऊ में बैठ कर संचालित करते हैं। आएंगे तो हार जाएंगे तो लखनऊ में बैठ कर वो अथॉरिटी को ऐसा ना कि आपकी सरकार आ जाए, आपके सीएम भी ना आया करें इधर, अभी आपके सीएम का नाम भी क्लियर नहीं है। नहीं, चाहे जो कुछ भी बनेगा उसको नोएडा में लेकर आएंगे हम सब लोग। लेकिन आपको लगता है, नहीं, एक बात बताइए, बीजेपी मिस कर रही है एक सीएम कैंडिडेट, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का एक चेहरा है, राजनाथ सिंह का एक चेहरा है, कलराज मिश्र का एक चेहरा है, केशव प्रसाद मौर्य का एक चेहरा है, लेकिन वो चेहरा जो मुख्यमंत्री बनेगा वो चेहरा गायब है। क्या मिस कर रहे हैं आप लोग, आप जब चुनाव की रणभेरी में जा रहे हैं, रण में जा रहे हैं, तो मिस कर रहे हैं उस चेहरे को? अगर चेहरा होता तो बेहतर होता। देखिए चेहरे तो उनके पास भी नहीं है, एक व्यक्ति एक पूरी पार्टी को जब से बनी है तब से आज तक वही चला रही है। समाजवादी पार्टी वो कुछ परिवार के कुछ सदस्यों की पार्टी है, उसमें भी आजकल अब सब वो ब्रेकअप हो रहा है। और तीसरा भारतीय जनता पार्टी है जो किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, लाखों लाख कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और बीएसपी भी है, मायावती है, वही मैंने कहा किसी एक व्यक्ति वो संचालित कर रहे हैं, जब से बनी है आज तक एक ही व्यक्ति संचालित कर रहे हैं। यहाँ लाखों लाख कार्यकर्ता हैं और उन्हीं कार्य, और हम लोगों के पास ऐसे बहुत ही क्षमतावान और बहुत ही जिन्होंने कि अपने पूरी जीवन पार्टी के लिए दिया है, ऐसे नेताओं की लंबी लाइन हम सब लोगों के पास। आप कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? बिल्कुल नहीं, हम सब लोगों के पास ये सभी नेताओं का बराबर। लेकिन विपक्ष प्रचंड प्रहार कर रहा है इस विषय को लेकर कि आपके पास सीएम कैंडिडेट। अब देखिए एक चीज इस पर मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी और सपा और बसपा, इनकी तुलना ही नहीं की जा सकती किसी भी तरीके से। अब बसपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, कोई निर्णय लेना हो तो वो अकेले निर्णय ले लेती है, भाजपा का हो तो देखना पड़ता है श्री राजनाथ सिंह जी कहाँ है, सुषमा जी कहाँ है, श्री अरुण जेटली जी कहाँ है, सभी लोग सब लोग अमित शाह जी, तब वो पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है। अब सपा वालों का तो आराम है, अब वो डाइनिंग टेबल पर सुबह के नाश्ते और दोपहर में बैठ जाए तो वही पार्लियामेंट्री बोर्ड हो जाती है। अब तो इसको इसीलिए हमारी तुलना अब उनके यहां तो आसानी से, इसी तरीके से उनका फेस कौन होगा वो भी नाश्ते के टेबल पर बैठकर या खाने के टेबल पर डिसाइड हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कार्यकर्ता सर्वोपरि है, कार्यकर्ता के आधार पर उनके विचार से हमारी पार्टी चलती है। बीजेपी की सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, फाइनल क्वेश्चन 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा। बिल्कुल 100% आ रही है, और सिर्फ सरकार सिर्फ 203 के ऊपर ही नहीं बल्कि 300 से ऊपर सीटें लेकर, 300 से ऊपर, बिल्कुल आज की परिस्थिति में कह रहे हैं उनकी 300 से ऊपर आ रही है। अब समय बताएगा कि उनके इस साथ को जनता कितना नापसंद करती है, वो आने वाला समय। नोटबंदी का फायदा होगा नुकसान होगा? नोटबंदी को मैं फायदे और नुकसान से नहीं देखता हूँ, ये देश को आगे बढ़ाने वाला फैसला है, इसको मैं चुनावी फायदे और हार नुकसान से नहीं देखता। और अगर 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 बीजेपी चुनाव हारी तो ये हार केंद्र सरकार की होगी या ये हार उत्तर प्रदेश की इकाई की होगी?
नहीं, इस बार की जीत हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, अपना वक्त देने के लिए पंकज सिंह, और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 18। नमस्कार।